दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुआ बनाने जा रहे हैं। देखिए, पुआ बनाने के लिए हमने 250 मैदा लिए हैं। और चीनी लिए हैं। मैदा में डालने के लिए दूध लिए हैं, किशमिश लिए हैं, नारियल का मुरादा लिए हैं, केला लिए हैं और मोम की जगह पर घी लिए हैं। पुआ खास्ता बने इसके लिए हमने पहले इसमें घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हाथ के सहारे से इसको मिक्स करना है ताकि इसको पूरा घी उसमें मिल जाए। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें केला डालेंगे। अब हम इसमें नारियल का मुरादा डालेंगे और इसको मिक्स करना है। अब इसमें हम किशमिश डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पुआ का घोल बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको देखिएगा कि इसमें बहुत घोल इसका तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालकर रिफाइंड डालकर और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कलछुल के सहारे इसमें पुआ का डोट डालेंगे। इसी तरह पुआ बनाना है, एकदम ब्राउन कलर का करना है इसको। अच्छी तरह से कड़कड़ापन ना जाए इसमें, देखने में भी अच्छा लगा और स्वादिष्ट बनेगा। ये सब चीज़ डाल के आप बना के देखिए, खाने में टेस्टी है। देखिए, लॉकडाउन में आपको समय बचे तो ये सब चीज़ बना के आप भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। बहुत स्वादिष्ट पुआ बनेगा, इस तरह से बनाइएगा। तब इसे हम देखिए, हमने पुआ बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खा के भी देखिएगा तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा आपको खाने में टेस्टी लगेगा। खा के देखिए, फिर आप इसे खा के आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा।